इधर रांची की सीबीआई अदालत से चारा घोटाले में जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दोहरा झटका लगा है। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी बड़ी बहन गंगोत्री देवी का निधन हो गया। गंगोत्री देवी के बारे में बताया जाता है कि वो बेहद सहनशील थीं, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। गंगोत्री नहीं रही, वो आरजेडी अध्यक्ष लालू परिवार की बड़ी दीदी थी। गंगोत्री देवी अपने परिवार के साथ पटना के वेटनरी कॉलेज के क्वार्टर में रहती थी। लालू परिवार शोकाकुल है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरा परिवार उनके आवास पहुंचा, जहां कुछ दिनों से वो बीमार थी। लेकिन लगातार चारा घोटाले में अदालती चक्कर में फंसे भाई को देख परेशान थी। बताया जाता है कि वो लालू को 3.5 साल की सजा सुनाए जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। शक लगा है हमको भाई के जेल जाने से। आप जब आई थी शादी होकर, उस समय से लगातार आप लोगों साथ ही रहती थी? शादी होकर आए थे तब से साथ हमारे, हम लोग के साथ थे। इससे छोटा और हम लोग सब भाई इससे बड़ा थे। जो दिन रहा था दिन सब कोई खुशी मना। बहन हमार बड़ा सीधा रही। एक अभिभावक के तौर पर लालू का वो कितना ख्याल रखती थी, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बहुत पुरानी तस्वीर है ये, जब वो सीएम थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। अपने बारे में, अपने भाई के बारे में हमेशा चर्चा करते थे। हिम्मती भी थी, बहुत बहुत ज्यादा हिम्मती। जैसे वो हैं लड़ते रहते हैं, ये भी अभी 2 साल पीछे ही अपने यंग बेटा को खो दिए हैं, बस मेरे पापा से थोड़े से बड़े। उस चीज को भी बर्दाश्त कर लिया। बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत हिम्मत था इनके पास। जवान बेटा खोया उसके बावजूद भी हिम्मत बांधे रखा, लेकिन भाई जेल गया तो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। 75 साल की गंगोत्री देवी लालू की रिहाई के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रही थी। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लालू यादव से बात भी नहीं हो पाई। कोशिश किए कि लालू जी से संपर्क हो जाए, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। जेलर को भी हमने फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। रविवार होने की वजह से लालू प्रसाद को अपनी बड़ी बहन के अंतिम दर्शन का मौका मिलना संभव नहीं लग रहा है। अमित कुमार के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।